हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं परी के लिए कुछ एक ऑर्डर किया हूँ। और वो क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता। परी के लिए सरप्राइज है और परी बहुत टाइम से इंतजार कर रही है इस वीडियो का। हाँ, कब मैं उसको ओपन करूँगा। तो वो चीज, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स पे है वो चीज। और ठीक इसके है, अंदर क्या है, मैं इसके अंदर क्या है परी देखना चाहती है? हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ठीक है, चलो फिर इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। ठीक चलो। है, ओके। वैसे ये जो चीज है ये पेड प्रमोशन नहीं है, हमने अपने खुद के पैसे से ऑर्डर किया है परी के लिए। और अगर ये चीज अच्छा है तो हम अच्छा बोलेंगे, बुरा है तो बुरा बोलेंगे, हमारा एक्सपीरियंस आपको शेयर करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि मतलब ये चीज है कैसा। अगर आप भी प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ लेने के लिए तो फिर आप भी ले सकते हो। तो बड़ी रेडी? हाँ। टन टन, ये देखो ये क्या है, क्या है ये, क्या है? वॉच। ये एक वॉच है, ये देखो ये। वाव। अभी इसमें जो वॉच है इस पे तीन तरह का डिजाइन है। और परी को कौन सा कलर पसंद है इसमें से? ये वाला थोड़ा अच्छा, ये वाला, ये वाला थोड़ा सा, ये दोनों अच्छे लग रहे हैं मुझे। ब्लू, ब्लू वाला मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर चलो देखते हैं फिर खोल के, ठीक है ना, कैसा है। ओके। वैसे ये जो वॉच है ये GPS वाला वॉच है, तो परी कहाँ पे है वो मुझे पता चलेगा। और इससे आप कॉल भी कर सकते हो परी को, जब चाहिए तो परी मेरे को कॉल भी कर सकती है, वीडियो कॉल, ठीक है ना। yes. तो वो सब चेक करेंगे परी। तो अभी मुझे मेरा डांस क्लास या बैडमिंटन क्लास में फोन लेकर जाने की जरूरत थी। हाँ, तो परी को फोन लेकर जाने की जरूरत नहीं है, वो इससे काम हो जाएगा, ठीक है। yes. तो चलो देखते हैं इसको कैसे खोलना है। ऐसे ये ऐसे खुलेगा। हाँ, ऐसे ही ये लिखा है वॉच आउट। ये ब्रांड का नाम है वॉच आउट। अरे बाप रे, ठीक है। तो इसको चलो खोलते हैं। कौन सा कलर होगा परी? कौन सा कलर? ब्लैक या वो पर्पल वाला? ब्लैक। पर्पल वाला ये है। तो ये बॉक्स के अंदर ये एक वॉच है। और क्या है इसके अंदर? और क्या है इसके अंदर? इसका चार्जर ऑफ कोर्स होना चाहिए। चार्जर? यस। रुको देखते हैं, चार्जर सबसे मेन होता है एक वॉच का, होना तो चाहिए परी। तो ये शायद राइट। हाँ हाँ, ये इसका चार्जर है। पापा, इसमें शायद सिम भी डालना होता है ना? हाँ, मोबाइल सिम, तुम्हारा मोबाइल का जो सिम है वो इसमें डाल देंगे। हाँ, वो तो सही है। तुम्हारा मोबाइल लेके आ जाओ। ओके, अभी आई। पापा, हाँ परी, ये हमारा जो सिम होता है ये इतना छोटा होता है। हाँ, तो अभी ये सिम को इसके अंदर हम लगाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये तुम्हारा मोबाइल पे सिम था ना? तो तुम्हारा ये वाला मोबाइल था? यस। तो ये वाला मोबाइल का जो सिम है अभी इससे निकाल के यहीं पे डालेंगे, ठीक है। ओके, उसके लिए इसको खोलना पड़ेगा। हाँ। और ये कैसे खुलेगा वो देखना है। इसको भी पिन चाहिए? पता नहीं, इसके अंदर कुछ खोलने के लिए कुछ दिया है क्या? यहाँ पे होगा, देखो इंस्ट्रक्शन। ये है तुम्हारा वॉच आउट वारंटी कार्ड, 12 मंथ का वारंटी है ये प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो परी, हाँ, अभी इसके अंदर सिम लगाए? यस। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिम का स्लॉट है। सिम कहाँ गया? ये रहा हमारा सिम। तो ये सिम ऐसे ऊपर करके रहेगा, ये ऐसे, ठीक है। यस। और अभी इसको ऐसे करके ये लगा देंगे, ठीक है। हाँ, लॉक हो गया। अभी ऑन करें? यस। इसका पावर बटन कौन सा है? इधर लिखा होगा, देखो, प्लेस द सिम, एक्टिवेट ऑल द, गो टू द मेनू। ओके, इसको ऑन करके देखते हैं चार्ज है कि नहीं, पता नहीं। ये तो ऑन नहीं हो रहा है। अरे, यहाँ पे लिखा है ये जो 5 नंबर बटन है ना, वो ऑन एंड ऑफ बटन है। तो ये वाला डिफरेंट बटन है, ये SOS बोलते हैं। SOS मतलब कभी तुम प्रॉब्लम में हो गए, इस पर क्लिक कर दोगे तो वो डायरेक्ट कॉल आ जाएगा, ऐसा है। तो अभी इसको 3 सेकंड प्रेस करें। रेडी, 1 2 3 गो। 3 सेकंड, ये आ गया वॉच आउट। आ गया। उसके ऊपर एक पॉलीथीन लगाया हुआ है, इसका कुछ स्क्रीन गार्ड भी आता है। कैसे साउंड आ रहा है ना, क्या लिखा है? वेलकम। हाँ, डिटेक्टिंग नेटवर्क। तो सबसे पहले नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है। मेरा सारा डेटा ले लिया। ऑल द नेटवर्क यूज वॉच आउट वेलकम ऐप, स्क्रीन द करंट QR कोड इन द ब्लाइंड।
मैंने ऑलरेडी इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया था, उसको स्कैन करेंगे। पकड़ो इसको। ओके। क्या था इसका नाम, सॉफ्टवेयर का नाम? ऑफ हो गया क्या? देखो साइड में क्लिक करो, ये वर्कम कहाँ गया? हाँ ये देखो, ये सॉफ्टवेयर है इसका वर्कम। तो यहाँ पे ये स्कैन बोल रहा है ना, दिखाओ, स्कैन करेंगे। उसका फोटो लेने के बाद करना है पापा। ओके ऐसा करो। ओके इमेज डजंट हैव अ QR। A few moments later. तो परी, हाँ? मोबाइल के साथ ये तो पेयरिंग हो गया है। हुँ? अभी एक बार ट्राई करके देखें कि कॉल हो रहा है कि नहीं। यस। यहाँ पे कॉल देखें, परी कॉल आ गया। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है। हेलो, वीडियो कॉल करके देखें। वीडियो कॉल ओके ट्राई करो। ये देखो ये वीडियो कॉल। हाँ करो दिखाओ। मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, अगर आप मेरे को देख पा रहे हो। ओहो मैं तुमको देख पा रहा हूँ। हाँ। तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो। हाँ तो वीडियो कॉल भी काम कर रहा है ना? तो ठीक है परी। ओके तो फाइनली हमने ये जो वॉच है इसको अभी 2 दिन यूज कर लिया। परी ने एक दिन इसको पहन के वो अपने स्कूल गई थी और काफी सारे चीज हमको इसमें प्रॉब्लम लगा और उसके वजह से हमने इसको अभी रिटर्न के लिए डाल दिया है। और ये जो वॉच होता है ये नॉन रिटर्नेबल होता है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लेते हो तो ये नॉन रिटर्नेबल कैटेगरी पे आता है। बट आप इसका अगर वैलिड रीजन दोगे क्या प्रॉब्लम है, अगर आप प्रॉपरली बताओगे तो ये रिटर्न हो जाता है। तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले परी को पूछते हैं कि ये वॉच के बारे में उसको मतलब क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। परी चलो बताओ कैसा था ये। सबसे पहले तो मुझे इसका जो कलर है ना वो मुझे बहुत क्यूट लगा है। हाँ, मुझे भी इतना क्यूट कलर है। ओके। और ऊपर से इसका जो कैमरा है ना उसका क्वालिटी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें जब कॉल कर रहे हैं या फिर वो वॉइस मैसेज दे रहे हैं ना तब जो वॉइस है ना उसका वॉइस क्वालिटी उसका बहुत अच्छा है। ओके। और जो मैसेजेस इमोजी वो सब है ना वो भी बहुत अच्छा है। ओके। और मुझे ना बहुत सी चीजें भी बुरे भी लगे हैं इसका। तो अभी अच्छा पार्ट हो गया या अच्छा और कुछ बाकी है? अच्छा पार्ट मेरा बस उतना ही है। ओके। हाँ। क्या क्या तुमको अच्छा नहीं लगा वो बताओ। मुझे ये जो स्कूल में जब मैं पहनी थी ना पापा ने इसको क्लास मोड किया था तो फिर उस टाइम है ना ये काफी इरिटेटिंग टाइप का मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं जब लगा। क्लास मोड में सेट कर देता हूँ तो परी टाइम भी ठीक से देख नहीं पाती है, उसके ऊपर जो नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो प्रॉपरली मतलब वो यूजलेस काइंड ऑफ हो जाता है। और क्लास मोड पे मुझे GPS के बारे में भी कोई मतलब नोटिफिकेशन नहीं आता। जब पेरेंट मोबाइल ऐप जो होता है अगर ये क्लास मोड पे रहता है तो इसका जियो पोजिशन होता है या कब ये मोबाइल कब ये स्विच ऑफ होता है तो वो सब नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आता है। तो जो कि यूजफुल है अगर मान लो ये क्लास मोड पे है तब एटलीस्ट ऐप पे बताना चाहिए कि मतलब वॉच हैज बीन रिमूव और GPS लोकेशन और बैटरी डाउन हो गया तो उसका नोटिफिकेशन ये सब आना चाहिए। वो मेरे को नहीं आता है और परी इसको एज ए वॉच भी मतलब टाइम भी देखने में भी परी को परेशानी हो रही थी। ठीक है ये प्रॉब्लम नंबर 1 हो गया। और इसका जो गेम्स थे ना वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हाँ तो गेम भी काफी बोरिंग गेम है। यस। ओके और म्यूजिक प्लेयर जो है ना उसका जो साउंड और उसका बहुत कम है। बहुत अगर यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन दिया है, परी को गाना सुनते सुनते पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो वो भी यूजलेस है वहाँ पे। परी को वो भी अच्छा नहीं लगा जो म्यूजिक सिस्टम है। और इसका जो बैटरी है ना बहुत जल्दी खत्म हो जा रहा है। हाँ वो हमने रियलाइज किया जो सबसे मेन कंसर्न है। ये बोलता है कि अभी 2 दिन बैकअप देगा या 3 दिन बैकअप, 2 to 3 days। बट हमने जो एक्सपीरियंस किया हमने रात 9 बजे पूरा फुल चार्ज हो गया था, नेक्स्ट डे परी स्कूल गई थी और स्कूल में ही ये मतलब स्विच ऑफ हो गया। बहुत मिनिमम यूसेज किया था, ज्यादा बिल्कुल यूज भी नहीं हुआ था, रात भर तो ऐसे ही पड़ा हुआ था घर में। ठीक है ना तो ऑनेस्टली ये मतलब 24 आवर भी बैकअप नहीं देता है इसका जो बैटरी है। तो वो सबसे बड़ी एक कंसर्न है जिसकी वजह से कि हम इसको रिटर्न करने की सोच रहे हैं। और हाँ पापा अब दोपहर से शाम तक तो कुछ एक चेक कर रहे थे, कुछ एक उस टाइम में कुछ एक कहीं चले गए, मुझे पता चला कि वो हैंग हो गया। हाँ तो ये वॉच है
इसमें एक ऑप्शन है जहाँ पे स्टोरी वगैरह आप सुन सकते हो, वो सबका एक ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, बहुत सारे ऑप्शन। हाँ, तो हमने उसको, मैंने जब ऑन किया तो उससे और बाहर एग्जिट कर नहीं पाया, वो वहीं पे मतलब वो ऐप के अंदर ही फंस गया। तो ये काफी, हाँ, स्विच ऑफ नहीं हो रहा था, क्योंकि जो मेरा मोबाइल ऐप है जिसके साथ ये पेयरिंग हुआ है, जहाँ पे एडमिन कंट्रोल है, वहाँ पे ये वॉच दिख नहीं रहा था। और ये वॉच मैंने वहाँ पे पहले से सेटिंग कर रखा था कि इसको मतलब स्विच ऑफ नहीं होगा, कोई स्विच ऑफ करने के लिए कोशिश करेगा तो ये स्विच ऑफ नहीं होगा। तो अभी अब एक डेडलॉक सिचुएशन हो गया, क्योंकि मेरे जो एडमिन जिस मोबाइल पे था वहाँ पे ये शो नहीं कर रहा था, जैसे कि मतलब इसका ऐप बहुत ही बेकार ऐप है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको अभी आगे बताऊंगा। तो ऑनेस्टली इसका मतलब जो ऐप है बहुत हैंग करता है, और मोबाइल ऐप की बात तो वो बाद में करेंगे, बस इसका ऐप के बारे में परी जो एक्सपीरियंस किया है ये हैंग करता है। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम दिखा परी तुमको इसमें? और इसमें जो मैं जब पापा को वीडियो कॉल कर रहे थे ना, तब इसमें पापा मुझे देख पा रहे हैं लेकिन मैं पापा को नहीं देख पा रही हूं। तो वो एक प्रॉब्लम हमने फेस किया, जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो मेरे मोबाइल से मतलब परी को मैं देख पा रहा था और परी मेरा फेस नहीं देख पा रही थी, तो वो एक प्रॉब्लम हमने फेस किया। और क्या परी? और जो इसका जो थीम था ना, इतना सारा ऑप्शंस नहीं है, बहुत कम ऑप्शन है, तो थीम परी को पसंद नहीं आया। मुझे बिल्कुल अच्छा है। ओके, और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया है, मतलब जैसे गूगल सर्च होता है कुछ, अगर बच्चे लोगों को कुछ सर्च करना है वो भी मतलब टाइप करना बहुत मुश्किल है। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम जो परी को, और कुछ प्रॉब्लम है परी, हो गया? और जो मैसेजिंग वाला जो ऐप है ना, उसमें बस वॉइस कर सकते हैं, इमोजी और फोटोज, टाइप नहीं कर सकते हो, टाइप कर भी नहीं सकते, इतना छोटे प्लेस में कैसे कर सकते हैं? तो मतलब मैसेजिंग के लिए ऑप्शन नहीं है, बस वॉइस मैसेज कर सकते हो, बट वो ओके है परी, बच्चे लोगों को मतलब टाइप करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, ठीक है ना? तो आपने परी का बात सुन लिया, परी को तो फाइनली, परी ये वॉच को तुमको रखना है कि रिटर्न करना है, वो भी बता दो। मोस्टली मैं चाहती हूँ इसको रिटर्न करना। हाँ, तो अभी मतलब हमने जो प्राइस इसका दिया है, इसका MRP आता है 15,000 रुपीज, और हमने इसका चार्ज दिया है अराउंड 9,000 to 10,000 रुपीज। तो उसी हिसाब से हमको मतलब जो मेरा मेन रिक्वायरमेंट था इसका GPS ट्रैकिंग का, वो GPS ट्रैकिंग बिल्कुल भी ठीक से काम नहीं करता, नॉट एक्यूरेट। उसके बारे में मैं आपको मोबाइल ऐप दिखा दूंगा अभी आगे। 10,000 के प्राइस पॉइंट पे हमको और भी डिफरेंट ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है ना? तो परी के लिए मैं एक डिफरेंट सा वॉच में चूज किया हूँ, पता नहीं वो कैसा निकलेगा, वो आपके साथ हम आगे बताएंगे। तो अभी ये वॉच को हम रिटर्न कर रहे हैं, और रिटर्न मैं कैसे कर रहा हूँ वो आगे मैं बताऊंगा। अभी तो परी का मतलब पढ़ाई का टाइम हो गया है, तो परी को बाय बोलते हैं, और फिर आगे मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग करके आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रॉब्लम इसके साथ फेस किया है। अभी प्रॉब्लम परी का तो हमने सुन लिया है ना, तो ठीक है परी? Yes. ठीक है, तो फिर आप ये देख रहे हो, ये सॉफ्टवेयर है, ये iOS का सॉफ्टवेयर है जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा, अगर वो वॉच आउट का जो वॉच है उसको यूज करना के लिए। उसका वॉच आउट का बहुत सारे वेरिएंट आता है, हमने जो नेक्स्ट जेन वेरिएंट लिया है उसके लिए ये वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो iOS पे बहुत कम लोगों ने रेटिंग दिया है, 9 रेटिंग है। तो चलिए मैं आपको इसका ऐप को एक बार डेमो दे देता हूँ, और क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया वो भी आपको थोड़ा मैं बता देता हूँ, ताकि आपको भी आइडिया मिल जाए। अगर मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ, ये आपका ऐप जो है कुछ इस तरह से दिखता है, और ये आपका मैप है देखिए, तो ये मैप जो है वो कोई काम का नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर अगर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर कुछ GPS वगैरह ठीक से दिखता नहीं। अभी वॉच एक्यूरेटली ऑन है, और यहाँ पे जो जियो पोजिशनिंग जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एग्जैक्टली कुछ दिखाता नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का मैप आता है, अगर आप इसको गूगल मैप पे ओपन करोगे तो वो आपको दिखाएगा, बट एक्यूरेट नहीं आएगा। जब वाईफाई पे कनेक्टेड रहता है तब आपको शायद इसका जो जियो लोकेशन आपको ठीक से दिखेगा, अगर मोबाइल नेटवर्क पे है तो बिल्कुल कुछ नहीं दिखता। तो ये आपका जो सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट था, जो GPS ट्रैकिंग वाला फीचर, तो ये वॉच पे आप भूल ही जाओ अगर आप इसको अगर ले रहे हो। आगे अगर आप बताऊं मीन्स इसका जो वॉइस कन्वर्सेशन, यहाँ पे आपका देखिए ये काफ़ी इरिटेटिंग करता है इसको, ये जो पोरी वॉच हैज बिन रिमूव्ड, ये सब ये, और ये एक्यूरेट भी नहीं है। ये जो मैसेज आता है बहुत सारे स्पैम आता है यहाँ पे, ठीक है ना? तो ये भी मेरे को ठीक नहीं लगा। आप यहाँ पे वीडियो कॉल कर सकते हो, ऐसे वीडियो कॉल करने से कुछ इस तरह से दिखता है। अभी यहाँ पे आपका वीडियो कॉल हो रहा है, तो अगर वीडियो कॉल होगा तो देखिए ये जो आप वॉच देख रहे हो अभी यहाँ पे ये इनकमिंग आ गया, ठीक है? अभी इसको मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए ओके,
चलो इसको कट कर देते हैं। अभी आपको दिख गया होगा कि मेरे जो मोबाइल है उसमें कैमरा आ रहा है, बट इस जो वॉच में वो वीडियो नहीं दिख रहा है। तो ये और एक प्रॉब्लम जो इसके बारे में परी ऑलरेडी बता चुकी है। ये नॉर्मल वॉइस कॉल करना है और ये वाला ऑप्शन, हाँ ये तो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। मतलब ये जो हेल्थ रिलेटेड जो इसने जो पैरामीटर दे रखा है यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल रॉन्ग है। तो आप ये पर्पस आपका फुलफिल नहीं करेगा। तो ये ऐप उसी हिसाब से, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे देखियो, आपको डिवाइस ऐड किया था मैंने, ठीक है ना, परी बोल के। अभी इवनिंग को क्या हुआ, अचानक से ये पूरा एम्प्टी हो गया। अगर ये एम्प्टी हो गया तो ये जो डिवाइस है ये पेयरिंग नहीं हो पाया। अगर ये पेयरिंग नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पेरेंटल कंट्रोल होता है, और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन कर रखा था शट डाउन फॉरबिडन, तो मैंने ये ऑन कर दिया था। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो इसको अगर आप स्विच ऑफ करने की कोशिश करोगे, जैसे अभी मैं इसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ, देखिए ये अभी स्विच ऑफ नहीं करने देगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे शट डाउन फॉरबिडन किया। तो मान लो आपका वॉच अगर हैंग हो जाता है और आपको इसको स्विच ऑफ करना है, और ये वाला जो ऐप है ये मेरा जैसे कि अभी डिसकनेक्टेड हो गया था ऐप, और ऑटोमेटिकली फिर कुछ टाइम के बाद आ गया, ठीक है, तो उस टाइम पे डेडलॉक सिचुएशन है। आप इसको बंद भी नहीं कर सकते हो, वेट करना पड़ेगा कब तक ये बैटरी डिस्चार्ज होगा। और ये सब फीचर है, इसके बारे में ज़्यादा मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे उतना कुछ मतलब यूजफुल नहीं लगा। ये यूजफुल है बट प्रॉपरली ठीक से काम नहीं करता। जैसे ये क्लास मोड है, यहाँ पे मैंने अपना क्लास मोड सेट करके रखा है। आप इस तरह से क्लास मोड सेट कर सकते हो, बट क्लास मोड सेट कर देने से क्या होता है, वो वॉच में अभी जो वॉच होता है वहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक क्लास मोड ऐड करता हूँ, स्टार्टिंग टाइम अभी हो रहा है 10:52, तो अभी मैं इसको ये कर देता हूँ, अभी ये टाइम मैंने दे दिया, ओके, और आज का डे है मंडे, ठीक है, अभी ये क्लास मोड पे है, ओके, द करंट डिवाइस इज इन क्लास मोड। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो कोई नोटिफिकेशन आता है तो ये स्क्रीन से और जाता नहीं है ये, तो ये परी बता रही थी जो काफी इरिटेटिंग है, उसको मतलब पूरा वॉच का फेस देखना है, वो देख नहीं पा रही है, क्योंकि मान लो कोई वॉइस मैसेज या कुछ आता है तो क्लास मोड में ये जो स्क्रीन है ये उसको अगली बना देता है। तो ये एक ये वॉच के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है जो हमने अभी मतलब इसको एक्सपीरियंस किया। और SOS के बारे में जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है राइट, वो एक आपको डेमो दे देता हूँ। ये SOS है, मान लो कुछ बच्चे प्रॉब्लम में आ गए, उनको क्लिक करना है, तो वो ऐसे प्रेस करके इसको रखेंगे तो ऐसे ये स्टार्ट हो गया है, देखो ये SOS। तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से। अभी ये टाइम ले रहा है, अभी ये कुछ कुछ लोकेशन वगैरह वो भेजेगा, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये देखो इस तरह से अलर्ट आ जाता है आपका SOS का। तो ये फंक्शन काम कर रहा है, बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन दे रहा है ये जो लोकेशन, ये इस तरह से दिखता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑडियो वगैरह भी जो आना चाहिए यहाँ पे ठीक से नहीं आ रहा है। और एक चीज़ मुझे इसके ऊपर बताना था, मतलब जैसे कि आप देख रहे हो इसका जो बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी मतलब सॉलिड दिख रहा है, बट वाटरप्रूफ है कि नहीं उसके ऊपर थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है। और बच्चे लोग जो होते हैं उनके लिए वाटरप्रूफ होना काफ़ी ज़रूरी है, तो मैं तो अभी डेयर नहीं कर सकता हूँ कि इसको पानी के अंदर टेस्ट करूँ, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे जो सिम का स्लॉट है यहाँ पे लग रहा है पानी अंदर जाने का चांसेस है, ये जो सिम का स्लॉट है, बट आई एम नॉट श्योर। तो अगर आप वाटरप्रूफ के हिसाब से देख रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि मतलब ये किस तरह से वहाँ पे फंक्शन करेगा। अगर कोई वीडियो आपको मिलता है वाटरप्रूफ टेस्ट इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप ज़रूर मुझे लिंक पे मतलब कमेंट पे बताइए, मैं देखूंगा उसके बारे में। तो आपने देखा कि हमने जो भी इसके साथ प्रॉब्लम हमने फेस किया उसके बारे में आपको ऑनेस्टली शेयर किया, और जो भी हमको इसके बारे में अच्छा लगा वो भी हमने आपको बताया। अभी डिसीजन आपके ऊपर है, अगर आपका कुछ इस तरह का वॉच रिक्वायरमेंट है आप इसको कंसिडर करना है कि नहीं करना है वो आप खुद जज कर सकते हो, ठीक है ना। और हम लोग अभी इसको रिटर्न करने के लिए ऑलरेडी इनिशिएट कर चुके हैं, और लकीली दे एग्रीड विथ माई पॉइंट। एक्चुअली उनको दो तीन पॉइंट मैंने बताया था मेनली इस वॉच के बारे में। पहला जो कि इसका बैटरी बैकअप बहुत पुअर है, वॉट एवर द कंपनी इज क्लेमिंग राइट, 2 to 3 days वो एक दिन भी ठीक से नहीं दे रहा है। एंड दूसरा जो इसका प्रॉब्लम है जियो लोकेशन, जो मेन प्रॉब्लम है था, तो ये दोनों प्रॉब्लम मैंने मेंशन किया और उसकी वजह से वो इसको रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। और अभी मैं एक नया प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूँ, जब मैं फाइनल कर लूँगा तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बता दूंगा कि मैंने कौन सा लिया, और उसका भी जो रिव्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप आगे भी इस तरह से वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना।
ताकि मेरे को भी पता चले कि आपको मेरा जो कंटेंट है कैसा लगता है. एंड थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर योर टाइम. सी यू ऑन अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. बाय.